कोई भी कारोबार कितना सफल होगा ये उसके बिजनेस आइडिया पर निर्भर करता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी से रूबरू कराएंगे जिन्हें एक मजाक से बिजनेस आइडिया मिला और उसका जितना मजाक उड़ा उतना ही वो बिजनेस धड़ल्ले से चला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेट रॉक के फाउंडर गैरी डेल की, जिन्हें टाइम मैगजीन ने 10 क्रेजी बिजनेस आइडिया में शामिल किया है। दरअसल एक दिन गैरी के दोस्त बार बार अपने कुत्ते की शिकायत कर रहे थे। अचानक गैरी ने मजाक में कहा कि उनके पास जो कुत्ता है वो बिल्कुल पत्थर की तरह है, ना उसे खाने की जरूरत है और ना ही वो घर गंदा करता है। अगले आधे घंटे तक दोनों दोस्त इसी बारे में मजाक करते रहे कि पत्थर से बना पेट कितना फायदेमंद है। अगले दिन भले ही गैरी के दोस्त ये सब भूल गए, लेकिन गैरी को ये सब याद रहा। बस फिर क्या था, गैरी ने अपने इस आइडिया को बिजनेस में उतार दिया और हथेली से ही छोटे से पत्थर को लेकर पेट रॉक लॉन्च कर दिया। पेट रॉक के लॉन्च होते ही 6 महीने में गैरी ने $60 लाख कमा लिए, जो आज के हिसाब से 150 करोड़ रुपए के बराबर है। असल में पेट रॉक नदी के किनारे मिलने वाला एक आम पत्थर था, जिसे डेल ने एक पालतू जानवर की तरह पेश किया। इसके साथ ही गैरी ने इस पत्थर के साथ कुछ ऐसी चीजें भी दी जिसके लिए लोगों ने इसके लिए 4 गुना कीमत चुकाई। बेल ने पेट रॉक के साथ घर के शेप की पैकेजिंग दी। इस पैकेज में हवा के आने जाने के लिए खिड़कियां बनी थी, वहीं छोटा सा घोंसला और एक गाइड बुक भी थी। गाइड बुक में मजाकिया अंदाज में इसमें बताया गया कि अपने पेट रॉक को खाना कैसे खिलाएं, उसे इशारे कैसे सिखाएं। सभी लोग जानते थे कि पत्थर से ये सभी उम्मीदें करना बेकार है, इसलिए उन्हें ऐसी इमेजिनेशन काफी मजाकिया और यूनिक लगी। तो ये थी गैरी की पेट रॉक की कहानी, जिसके आइडिया से वो रातों रात करोड़पति बन गए। इस स्टोरी को लेकर आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।